सत श्री अकाल, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। तो अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दिया खास खास खबर पर। भलके होगा सिद्धू मूसेवाले का संस्कार। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में गवर्नर को पहुंचा अकाली दल। प्रेमिका से उसकी मां के सताए नौजवान ने अपने रिवाल्वर नाल गोली मार के की खुदकुशी। पैसों के लैण देन लैके अदाकार करतार चीमा पुलिस हिरासत तो बाद रिहा। ते किसान आगू राकेश टिकैत ते सुट्टी स्याही प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान हंगामा। ते हुणे ना खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले दा संस्कार भलके कीता जावेगा। मूसेवाले दे कतल तो बाद माहौल तनावपूर्ण बनिया होया है। सिद्धू मूसेवाला दे परिवार ने इस मामले की कौमी जांच एजेंसी तो जांच की मांग की है। उत्थे ही मूसेवाला दे समर्थकां ते प्रशंसकां वल्लों मानसा विच प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान मूसेवाला कतल मामले विच मानसा दे ढाबे तो सत्त शक्की नौजवानों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिस विच ए शक्की ढाबे उत्ते खाना खा रहे ने। सूत्रां अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली अते उत्तराखंड पुलिस नाल मिल के एक ऑपरेशन तहत वड्डी लीड हासिल की है। पुलिस ने देहरादून तो पांच लोगों हिरासत विच लिया है। इस दे नाल ही गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई नूं पंजाब पुलिस वल्लों एनकाउंटर किए जाने का डर सता रहा है। बिश्नोई ने इस मुद्दे उत्ते NIA कोर्ट विच पटीशन पाई है। हालांकि अदालत ने इस पटीशन नूं नाल दी नाल सुनवाई तो इनकार कर दिता है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल मामले विच श्रोमणी अकाली दल बादल ते पंजाब भाजपा दे वफद ने वखरे तौर ते राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात कीती। इस वफद ने पंजाब सरकार नूं बरखास्त करन दी मांग कीती। दस दईए कि पंजाब दे मानसा विच एतवार शाम नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि भगवंत मान एक दिन भी मुख्यमंत्री बनन दे काबिल नहीं। पंजाब विच माड़े काम हो रहे ने, DGP दे हत्थ कुछ नहीं है। कल सिद्धू मूसेवाला जी जेड़े एक ऐसे इंसान सी जिन्होंने पूरे देश विच दुनिया विच अपनी मेहनत अपनी काबिलियत ना ना कमाया। नौजवानों दे एक स्टार सी, उन्हां दा कल बड़ी बेरहमी नाल मर्डर किया गया। श्रोमणी अकाली दल ने कल भी बड़ा दुख प्रकट किया। अज फिर तो मैं पार्टी तरफों मैं दुख प्रकट करदा। अज असी गवर्नर साहब नूं मिले क्योंकि आ मैं क्लियर शब्दों नाल मैं कहना चाहना, जे पंजाब सरकार आ गलत फैसले ना कर दी अज सिद्धू मूसेवाला जी अपने विच होंदे। आ जेड़ा सिक्योरिटी दा थ्रेट है, जेड़ा सिक्योरिटी दा थ्रेट है, आ एक कमेटी तय करती हुंदी है। चीफ मिनिस्टर नहीं तय करता किनू किन्ने सिक्योरिटी मिलनी चाहिए है। पंजाब पुलिस के अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट परसैप्शन की कमेटी है। पहली बार होया कि मुख्यमंत्री केज अपने भगवंत मान ने सू मोटोर ऑर्डर करता कि इन्हां लोगों के सिक्योरिटी खत्म कर दियो। ते सब तो माड़ी गल की कि अखबारों विच ना दिते गए कि इन्हां दी सिक्योरिटी अज इन्नी रह गई है, इन्हां दी खत्म कर दिती है। जेड़ी चीज़ एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आम आदमी पार्टी की जो मीडिया इंचार्ज है अरुषी ओदे आउशी ये आ उन्हां दा मोबाइल है जिथों उन्हां दी उन्होंने सारे लोगों के नाम ते किनू किनू किन्नी सिक्योरिटी है कटाई है सारी डिटेल पब्लिक की। भगवंत मान दा देखो अपना आम आदमी पार्टी का पोर्टल है, फेसबुक पेज है, अपनी फोटो ला के झूठी चौधर लैन वास्ते इन्होंने आ देखो लिखिया कीता की है। 3 दिन पहले अखबारों विच दिया गया कि सिद्धू मूसेवाले जी की सिक्योरिटी असी खत्म कर दिती है। मैं कह सकदा सही मिने ते भगवंत मान जुम्मेवार, ये तो पर्चा होना चाहिए। DGP
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਸਬਾ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੂਪਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਲੂਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਵਾਸੀ ਟੋਡੋ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਰਬੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਰੁੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਢੋਡੋ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ ਅਮਰਬੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਸੀ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਵੋਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 78-306-34 IPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਏ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਰੀਬ 10:30-11 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ NSUI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਨੋਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਔਰ ਆਪਸੀ ਤੂਤੂ ਮਹਿਮੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 7 ਹੀ ਨੋਵਲਟੀ ਜੋ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂਤੂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ K. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਏ ਥੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ? ਯੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ
पे कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। सिद्धू मूसेवाला की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई, जिसनों पंजाब पुलिस गैंगस्टरों वालों की गई हत्या दस रही है। उत्थे ही गैंगस्टरों वालों शरेआम इसकी जिम्मेवारी सोशल मीडिया से पोस्ट पा के ली गई है। इस बारे घटनाक्रम किते ना किते विरोधियों वालों सूबे की मौजूदा सरकार को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। फरीदकोट तो कांग्रेस के सबका विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे की आप सरकार को निशाने पर लिया गया। मैं अज दे इस काले दिवस ते मैं सिर्फ तोड़े राही तीन सवाल करना चाहना है साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार। पहला सवाल मेरा इन्हों ये है कि तुसी जो पंजाब के लोगों ने वादे किए सी वो तो पूरे करते नहीं, पर लोगों का जिहड़ा सोच ते लोकां दी जिहड़ी सुधी बुद्धि है उहनू डिस्ट्रैक्ट करन वास्ते तुसीं तीजे दिन आपदे आईटी सैलां राहीं तुसीं इह गल कढ़दे हो कि जी असीं वीआईपी कल्चर खत्म कर दिता। मेरी एक बेनती है ते सवाल है सारे सज्जणां नूं आम आदमी पार्टी वालिआं नूं, मैनू एक MLA दस दिओ पंजाब च आम आदमी पार्टी दा जिन्हें सिक्योरिटी ना ली हो, जिहड़ी बनती MLA की सिक्योरिटी है उन्हें ना ली हो, किसे ने वापस की हो। मैनू एक MLA दस दिओ जां मंत्री दस दिओ जिहड़े VIP कल्चर दी गल्लां करदे है, जो उन्हां दी बनदियां गड्डियां सरकारी तेल जो कुछ भी बनता है उन्होंने छड़िया हो, चीज़ उहदे नाल मिलनी है। VIP कल्चर खत्म जिहड़े हारे उन्होंने करना नहीं होना, ये दसण जिहड़े कहिंदे सी VIP कल्चर खत्म करता कि इन्होंने किसी ने कोई एक गनमैन छड़िया, इन्हां नूं बेनती करना चाहुंदा ठीक है तुसीं ठग लिया लोकां नूं सोशल मीडिया राही वड्डियां वड्डियां गल्लां सुना के, पर मेरी तो तुहानूं अज दे हथ बन के बेनती है पंजाब दे अमन कानून नाल पंजाब दे नौजवान बच्चों नाल खिला खेडो ना। ये शरारतां पंजाब वास्ते अगे बड़ियां महंगियां पईआं सी, ते मेरी हथ बन के बेनती है कि शरारतां नाल पंजाब नूं दुबारा काले दिन च ना लेके जाओ। असी छोटे छोटे से असी वो काले दिन देखे है, तो अज रूह कंबदी है जिहड़े राह तोरना चाहुंदे है जे पंजाब दुबारा उन्हां दिनां विच जांदा। सो मेरी तो हथ बन के बेनती है सियासत आपदी थां पर पंजाब दी अमन शांति पंजाब दे बच्चियां दी जिंदगियां नाल पंजाब दियां मावां दियां कुखां नाल ना खेडो, ये मेरी इन्हां नूं बेनती है। बठिंडा सहारा क्लब की टीम वालों एक औरत नूं शहीद भाई मनी सिंह सिविल हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड विच दाखिल करवाया गया। जानकारी दिंदिया सहारा क्लब के वर्कर संदीप गिल ने दस्या कि इस औरत वालों झील विच छाल मार के खुदकुशी करन की कोशिश की गई सी, उत्थे रेहड़ियां ला के सब्जी फल वेचण वालिया ने मौके ते ही उसनू बाहर कढ़ लिया, तो सहारा वर्करां ने तुरंत हस्पताल पहुँचाया। उसकी हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। मौके तो 20-25 सफ़ियां का लिखा होया सुसाइड नोट भी मिलिया है। ये भी दस्या जा रहा है कि छाल मारन तो पहला वह औरत फेसबुक ते लाइव भी हुई सी, इसका कारण घरेलू कलेश दस्या जा रहा है। दीप सिंह मैं सहारा जन सेवा वर्कर हाँ, अज सारा सहारा कंट्रोल रूम नंबर 98-140-74-074 से कॉल आई सी कि 2 नंबर झील के एक कुड़ी ने छाल मारती। साड़ी सहारा टीम पहला हर्षी चावला ही मौके पर पहुंचे, जो कि लोगों ने उन्होंने रेहड़ी ने बाहर कढ़ लिया, हस्पताल लैके आए, बाकी इलाज चल रहा। तो सहारा टीम संदीप गिल हर्षी चावला तो रजिंद्र कुमार मौके पर पहुंचे, बाकी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे। कौन लड़के को लगे पता सर? ये मॉडल टाउन की दस रहे हैं।
सफाई कर्मचारियों ने कार्ज साधक अफसर लहरा वालों उन्हां दीआं मंगां ना मनण तो दुखी होकर नगर कौंसल लहरा के दफ्तर नूं जंदरा झाड़ दिता। इस समय नगर कौंसल के मुलाजम दफ्तर के अंदर ही बंद होकर रह गए। इस समय सफाई सेवक यूनियन के जिला प्रधान भारत बेदी ने कहा कि असी एक कदम मजबूरन चुकया है क्योंकि साढ़े कर्मचारी 21 दिनों तो हड़ताल से बैठे ने, पर कार्ज साधक अफसर साड़ी किसी भी मंग वल कोई ध्यान नहीं दे रहा। यह जी साफ ही कारण है, ये ईओ साहब ने इतने बहुत बदतमीज ईओ साहब कहेंगे तो इन्हों बोलन की तमीज नहीं है, हर गल के उत्ते पुठा जवाब देंगे ने, बंदे टिकाने की बजाय भड़काते हैं। ये ऐसे ईओ साहब ने, असं तो इन्हों बदतमीजी कहेंगे जो कोई ढंग सिर की गल नहीं करते, गल लवे लो उन्होंने कोई गल नहीं करते, गए गल हमेशा भड़काते। ये अज सू मीटिंग बुलाया जी साढ़े बहरों जिदे जिले के प्रधान साहबान सकत्र साहबान वक् वक् जथेबंदियों जो प्रधान सकत्र साहबान आए हुए थे अंदर मीटिंग लिए सानू बुलाया, उस दे विच ने साडी कोई भी मंग दे उत्ते जन के जायज नहीं दिखाती, कोई भी मंग नजायज ही समझदा रहा उसने, कहता मेरे तो हाथ विच कुछ नहीं है, तो जो भी करूगी एस डी मैडम करूगी, एस डी मैडम को कौन जाऊगा इन्हों पता ही है। सानू कहिंदे तुसीं जाओ, तुसीं आपदी मंगा ओके करवा के लैके आओ, ये फिर कुर्सी के कादे वास्ते बैठने जिहे एस डी मैडम को जा नहीं सकते, इन्हों कुर्सी छट के पर चला जाना चाहिए। जिंदा कदों तक लगे रहूगा जी? ये जिंदा तो उदों तक लगे रहूगा जो तक साड़ियां मंगा नहीं पूरियां होंदियां, असीं दिन रात इत्थे धरना देवांगे जी, असीं ये जिंदा नहीं खोलांगे। ठीक है। जलंधर विखे गोली लगन नाल ASI की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मृतक ASI की पछाण स्वरण सिंह वजो हुई है जो कि लम्मा पिंड का रहने वाला दसया जा रहा है। मृतक ASI स्वरण सिंह के रिश्तेदार ने दोष लगाया है कि स्वरण सिंह नूं तंग परेशान किया जा रहा है। उसने दसया कि स्वरण सिंह ने मरण तो पहला एक वीडियो भी भेजी सी। 12:23 वीडियो गई एक सानू, उस तो बाद मेरिया बेटिया कनेडा उन्होंने भी गई बहस होंगी पई, मेरे बेटे के फोन पर भी आ गई, मैनू भी आ गई, सारे उन्होंने सेंड कर दी। उस तो बाद मेरिया बेटिया जो मैं इन्होंने फोन नहीं किया, मैं ड्यूटी पर आ, तो मेरिया बेटिया फोन कर लग पियाँ, उन्होंने फोन नहीं उन्होंने चक्कर वो मैनू कर लग पियाँ, कहिंदियां वा मम्मा फोन नहीं चकते पापा, तो रोन लग पियाँ, तो मैं भी फोन कर लग पी, मेरा फोन भी नहीं चकते पे। मैं सोचा सी इन्हें नाल कॉन्सटेबल मतलब ASI है ड्यूटी करते, उन्होंने फोन पर फोन किया, उन्होंने नंबर है मेरे को, उन्होंने मेरा फोन नहीं चक्या, फोन नहीं चक्या। उस तो बाद मैं फिर इन्होंने फोन पर ट्राई मार कर दिन लग पी, इन्हें फोन पर इन्होंने साहब ने चक्या, फिर तो केंद्र घर कोई गलबात हो, मैं नहीं सर, मैं तीन दिन पहला तो ड्यूटी गए हुए वो घर तो आए नहीं है, घर की गलबात होनी सी उन्होंने, तो केंद्र मतलब उन्हें गोली मार ली है। मैं इदा गोली नहीं मार सकते, मतलब स्टाफ जिम्मेवार होगा, जोड़ा स्टाफ इतनी वो जिम्मेवार होगा वो गोली मार सकता, मतलब वो खुद नहीं मार सकते, उन्हें खुद क्यों गोली मारनी, उन्होंने कोई परेशानी नहीं हैगी, घर तो परेशानी हो कोई साढ़े तो कोई परेशानी नहीं हैगी, मतलब यही गल हुई उन्होंने फोन कटता। स्वर्ण सिंह ए सी पी सुखविंदर सिंह, आप तो सुखजिंदर या सुखविंदर मतलब पूरा मैं पूरा नहीं क्लीयर है, नॉर्थ ACP नॉर्थ। वीडियो यही आई है, मतलब वो कहें पे किसी ने मैनू नहीं पता किनू कहें पे ड्रिंक नहीं करनी गड्डी, तो कहें मैं ड्रिंक मतलब करनी है, तू कौन ना रोकने वाला, हाँ जी वो कहें ड्रिंक नहीं करनी गड्डी, जो कोई गलबात हो जाती मैं ड्यूटी पर हाँ मैं किनू जवाब दूंगा मेरी गड्डी ड्रिंक नहीं करनी, वो कहें गड्डी ड्रिंक करनी, मैं मतलब ये ड्राइवर मेन ड्राइवर से ना ये कहें मैं ड्रिंक नहीं कर देनी, वो कहें मैं करनी इस गल बहस बाजू, वो कहें तू भी ड्रिंक की है, ये कहें मैं नहीं ड्रिंक की, कहें सो कर ये कहें वो कहें तुम सो कर दो मैं ड्रिंक की है, तो कहें मैं कर दूंगा, इन्हें मेरे हसबेंड ने कहा मैं कर दूंगा। हाँ जी इन्हना नहीं आँदी पई है, वीडियो आँदी पई, वीडियो आँदी पई है, उस तो बाद 12:23 वीडियो आई, उस तो बाद सानू नहीं पता भी इन्होंने 12:23 ते की आ मतलब गोली बजी है, 22:30 ते 12:30 ते की, किन्ने बजे हुए सानू नहीं पता, 12:23 तो बाद जो भी हो 12:23 तो बाद हो जो भी हो, मतलब ये वेख के इन्हों के ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ASI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਾਰ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ।
ना सानू दिखाया ही नहीं, असीं आए आ दिखाया ही नहीं, सानू कुछ नहीं दिखाया, अजे तक भी नहीं दिखाया सानू, डेड बॉडी नहीं दिखाई हाले तक, डेड बॉडी नहीं दिखाई रात, डेड बॉडी अपने आप ही, अपने आप ही सारा कुछ जो भी किया वा इन्होंने किया, सानू नहीं पता भी की होया। असीं 12 बज के 50 मिनट होए ही, मैं मेरा बेटा दोनों जने भाजी साढ़े को उन्होंने फोन करता, अं दोनों जने नंगे पैर जिदा सानू पता लगा अं तो मिनटों मिनट घरों निकल नहीं किए, अं पैदल ही तुर पे दोवें बेटा मैं। मतलब अगे भी पहला भी एक दो बार मेनू कहते हुए मेरे साहब बहसबाजी हुई है, मैं कहनी नहीं कोई नहीं साहब है तुम कुछ नहीं कहना, कल तो ड्रिंक तो बहसबाजी होंगी पी, मेनू नहीं पता कि होंगी पी, मैं ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 334 IPC ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ACP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਮਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਮਨੀਆ ਤੇ ਥੰਮੂਵਾਲ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਮਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਥੰਮੂਵਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਮਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। BDO ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ SDM ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੋਨੇ DSP ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, BDO ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈ
इन्हों की जमीन जी है उसू कब्जा होने तो रोकेंगे। सहमति बनी की हमारी हूँ साड़ी सरकार नाल कोई सहमति नहीं बनी। सरकार ने सानू चैलेंज किया कि सानू उपरों हुक्म है असी अज दखल पाना है। असी उन्होंने चैलेंज नू स्वीकार किया कि असी पीसफुल ढंग ना असी तुहानू जिहड़ा उत्थे दखल नहीं पाउण देंगे। असी जिस तरह असी दिल्ली मोर्चे ते पीसफुल ढंग ना लड़ाई लड़ी है उस तरह असी पीसफुल ढंग ना अज इत्थे भी लड़ाई लड़ांगे। अज मैं पुलिस फोर्स के नाल और साडे जिहड़े BDPO डिपार्टमेंट है असी सारे ने एक माइंड वेदे नाल चक बामणिया विखे पंचायती जमीन नू वापस लैण संबंधी असी जदों गए ते जिहड़े कंसर्नड जिन्नी भी स्टेक होल्डर्स हैगे ने दूसरी साइड दे ते उन्होंने साडे नाल यही रिक्वेस्ट की हैगी है कि उन्होंने कुछ क्लेम्स हैगे ने उन्होंने वाच लिया जाए और चाहते हैं ने कि एक मतलब जिमें जिमें टाइम प्रोग्रेस करता है कि कॉन्क्रीट वे कोई सोल्यूशन आ सके तो उसको देखते हुए असी एक्सैप्ट कर ली हैगी उन्होंने जी डिमांड हैगी और जो फिलहाल जरा दखल पाते हैं विद दी ड्यू हेल्प ऑफ फोर्स वो जो है असी उन्होंने पोस्टपोन कर दिता है। इस दे नाल ही अजीत खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरां नाल फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई आग्या दिओ, सति श्री अकाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।